गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमने चेक इन कर लिया, जैसे लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि हमने सोनार बंगला के रिसेप्शन में एंटर किए, वहाँ पे हमने चेक इन किया और ये हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। तो आप देखिए कितने अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पे, पूरा ग्रीन 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 ट्रीज, ग्रीन प्लांट्स और पानी में भी ग्रीन ग्रीन पूरा हरियाली छाया हुआ है। तो यहाँ पे तो आके बहुत मज़ा आ गया, इतना सुंदर जगह में एक दो दिन रहने के लिए मिला। तो रिसेप्शन से जो हमको रूम मिला था वो बहुत ही दूर था, तो ये सब क्रॉस करके हम जा रहे थे। जैसे लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया था, ये जो सिटिंग एरिया है तो उसी से होके ये छोटा सा ब्रिज है उसको क्रॉस करेंगे। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे ये जो छोटा सा एक पॉन्ड, इस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। ये जो सारे कॉटेजेस आप देख रहे हैं एक जैसे ही है और हर एक क्लस्टर में जैसे चार पांच कॉटेजेस हैं और उसके सामने एक पॉन्ड है, तो सारे सिमिलर वे में बनाया गया है। तो ये हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ और जाते वक्त मैंने ये सारा कैप्चर कर लिया था। आपने देखा हम रूम में एंटर किए, बहुत अच्छा रूम है, यहाँ पे बैल्कनी है, बैल्कनी का व्यू बहुत ही अच्छा है। तो रूम में जैसे हर एक रिजॉर्ट में होता है वो सारे फैसिलिटीज़ थे। यहाँ पे व्यूज़ बहुत ही सुंदर, बहुत ही एग्जॉटिक वाली फीलिंग थी। क्योंकि वीकेंड था तो पूरा सारा कॉटेजेस फुल था यहाँ पे। हमारा भी प्लान बहुत सडनली बना था, रात को बना और हम सुबह आ गए तो हमको मिल गया रूम।
तो वहाँ पे देखिए मैं मम्मी के साथ मस्ती कर रही थी, वो वहाँ पानी के पास जा रही थी, तो मैं उनको क्रोकोडाइल आ गया बोल के डरा ली थी, लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। हम पहुँचे अराउंड 11:30 और रूम चेक इन करते करते ऑलमोस्ट लंच टाइम हो गया, तो अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट को जहाँ पे हम लंच करेंगे। तो आप भी हमारे साथ चलिए और देखिए कि वहाँ पे क्या अवेलेबल है। यहाँ पे प्लेइंग एरिया नीचे था और ऊपर से ऊपर में आके मैं ये कैप्चर कर रही हूँ अपनी कैमरा में। देखिए कितना सुंदर व्यू है। आप कहाँ से हो भैया? यहाँ पे हम आ गए अपने यहाँ लंच लेने के लिए। तो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया लंच, तो मैंने बस चिकन राइस लिया था और मम्मी ने वेज खाया था। तो आप देखिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे जो दाल था मुझे बहुत ही पसंद आया था, मम्मी को भी बहुत पसंद आया था, ये दाल बहुत ही टेस्टी बना था। तो यहाँ पे मम्मी ले रही है रायता। Thank you.
और पागलपन। हम आ गए खेलने के लिए, देखने के लिए क्या है इसमें, और थोड़ा सा हम छोटे बच्चे बन जाते हैं और देखते हैं क्या क्या खेल सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बिलियर्ड्स था और चेस, ये देखिए वो ट्राई कर रही थी मम्मी। यहाँ पे हम दोनों ये टेबल टेनिस ट्राई कर रहे हैं। दोनों को नहीं आता है, मैंने तो स्कूल में शायद एक दो बार खेला होगा गेम्स पीरियड में, बट कुछ याद नहीं था। और यहाँ पे मैं कुछ जिमिंग करते हुए टाइम पास कर रही हूँ। और ये गेम तो हम दोनों ने पहले कभी भी नहीं देखा था, ना ही जानते थे। बस मम्मी कुछ कोशिश कर रही है कि कैसे होगा और क्या है ये। फिर हम आ गए यहाँ पे बिलियर्ड्स खेलने के लिए, जो कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मतलब कुछ भी नहीं। मैंने कभी भी ये जो क्यू होता है, जो स्टिक, उसको कभी भी नहीं अपने हाथ में पकड़ा था। ये फर्स्ट टाइम मैं कोशिश कर रही हूँ। सिर्फ पता था कि क्वीन जो होता है उसको डालना होता है, लेकिन सारा इधर उधर जा रहा है, बस मज़े कर रहे हैं यहाँ पे आके। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये बिलियर्ड्स खेलना आता है तो कमेंट में बताइए कि कैसे खेलते हैं, ताकि मैं सीख जाऊँगी। अभी देखिए मम्मी कैसे चेस खेल रही है मेरे साथ। चेस आता है आपको? ये क्या कर रही है? और वो खुद ही चाल चल रही है और मेरा वैसे की वैसे। फ्रेंड्स मुझे चेस आता है खेलना, क्योंकि मैं बचपन से खेली हूँ इसको, और कभी कभी मैं और हस्बैंड भी खेलते हैं, और बेटा भी मेरे साथ खेलता है कभी कभी। तो मुझे आता है, तो मम्मी को नहीं आता है, तो मैं सिखा रही हूँ। वो मैं अपना मन मर्जी चला रही हैं, लेकिन मैं उनको सिखा रही हूँ यहाँ पे कि ये ऐसे होता है, इसको ऐसे चलाना होता है। तो यहाँ पे एक छोटे बच्चों का एक खेलने का एरिया है यहाँ पे, और यहाँ पे ये सारा कुछ तो मम्मी दिखा रही थी ऊपर कितना सुंदर बना हुआ है, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। यहाँ पे ये सारा कुछ है, कैरम भी है, और आप जिमिंग करेंगे तो वो भी यहाँ पे है। अच्छा लगा यहाँ पे आके। अभी हम बाहर आ गए स्विमिंग पूल की तरफ, और यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठेंगे। यहाँ पे भी सब अपना मस्त एंजॉय कर रहे थे स्विमिंग पूल में। Thank you.
मम्मी यहाँ पे बैठ गई स्विंग करने के लिए और मजे ले रही है। फ्रेंड्स मैं इस ब्लॉग में पूरा सोनार बांग्ला का पूरा कैप्चर करती हूँ सब एरिया, और हम पूरा लंच के बाद पूरा यहाँ पे घूमते रहे बहुत देर तक। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल है जो मैंने जो बोला था आपको पहले ही कि बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स है यहाँ पे। यहाँ से मम्मी ने एक फ्लावर बहुत सुंदर फ्लावर वो दिखा रही थी, और ये पॉन्ड जो हमारे रूम के पूरा सामने है देखिए यहाँ पे भी वाटर लिली है। कोयली ना कहाँ एरिया में घूमते रहे बहुत देर तक। फ्रेंड्स क्लाउडी वेदर तो था ही जिस दिन हम कोलकाता से निकले थे, लेकिन बारिश होगा ऐसा कुछ दिख नहीं रहता, लेकिन हम जब नीचे थे तो इतना ब्लैक क्लाउड्स पूरा कहाँ से आ गए, तो लगा कि पूरा अभी बारिश होने वाला है, तो इसलिए हम अभी ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे बालकनी में हम आ गए हैं और देखिए कितना क्लाउड्स पूरा आ गए, कहाँ से अंधेरा होने लगा धीरे धीरे और फिर बारिश स्टार्ट हो गई।
यहाँ पे जो सुंदरबन है यहाँ पे बहुत माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, तो यहाँ पे जो हम रह रहे थे सोनार बंगला में भी बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स हमको देखने को मिले। ये देखिए पूरा कैसे एकदम कम टाइम में पूरा अंधेरा हो गया और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया, मतलब गर्मी छू मंतर हो गया और हम बहुत ही वेदर को एंजॉय किए। लोगों चाहे तो वेस्टर्न इंडिया रही छे, मुंबई रे बहुत, मुंबई पुणे रे बहुत वर्षा हो छे। फ्रेंड्स जब गर्मी बहुत ज़्यादा होता है तो इसी चीज़ का वेट करते हैं हम कि कब बारिश हो, और कोलकाता में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी। और जिस दिन हम पहुँचे सुंदरबन और इस रिज़ॉर्ट में, उसी दिन शाम को ही इतना बारिश हुआ, रात भर बारिश हुआ कि हम डिनर करने तक नहीं जा सके, रूम में ही ऑर्डर कर दिए डिनर। तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सुंदर व्यू था, मन कर रहा था कि यहीं पर ही सेटल हो जाऊँ। आई होप मैं जो नेचर का सारा कुछ कैप्चर की हूँ यहाँ पे आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए।
एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मैं और एक व्लॉग लेके आऊँगी इसी ट्रिप का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी फिर से। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। हैव अ वेरी 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 नाइस डे। और ये है नाइट व्यू जो कि मैंने ऐड किया था अपनी बालकनी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।